हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगी। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बेबी को अभी नहला के ना क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। तो बेबी को देखिए, अभी ये बोल रहे हैं मुझे मत लगाओ मम्मी, ये बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं कर रही है अभी। और मैं जैसे तैसे उसको ना बहला फुसला के लगा दिया, और अभी उसको अभी ड्रेस पहना रही हूँ और पूरा दिन भर के लिए तैयार कर रही हूँ। क्या हो इसलिए ये गर्म होने के लिए रख दिया पानी, और आलू को छीला भी नहीं है इसलिए अभी छील रही हूँ। अभी डाल दूँगी इसको काट करके। और बहुत ही ज़्यादा ना मेरा सर दर्द हो रहा है आज, क्यों क्या हुआ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि आज से जल्दी सुबह ही नहा लिया, सर भी धोया था इसलिए हो सकता है। ऐसा भी दिन आएगा कभी छोसा नहीं था। मम्मी का बहुत याद आ रही है अगर कुछ हो जाने से। आप लोग को आते हैं कि नहीं याद मम्मी का, कमेंट करना नीचे। और मम्मी होने से यहाँ सब कुछ संभाल लेते। आज का दिन ही बेबी लेट से सोया, मैंने टाइम देखते रहा, टाइम तो चले जा ही रही है। और भैया आने का पहले ना मुझे सब कुछ बना के रखने से अच्छा लगते ही, नहीं तो वो फिर आके वेट करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जल्दी जल्दी बनाने का चक्कर में देखिए, इधर पहले मैंने ये कुकर तो बैठा दिया लेकिन आग अपने आप बुझ गया। इधर ना लो फ्लेम करने से अपने आप बुझ जाता है। इस वाल यहाँ बैंगन फ्राई करने के लिए नमक और हल्दी दे रहे हैं। अच्छे से इसको ऐसे लगा दूँगी। यहाँ ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल दूँगी ये बैंगन।
2 मिनट जैसे एक साइड फ्राई करके फिर पलट लूँगी। अभी 2 मिनट हो चुका है, पलट दूँगी और इसमें और एग डाल रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने के लिए। मुझे नॉनस्टिक में फ्राई करना चाहिए था, जल्दी हो जाते, लेकिन ये वाला कढ़ाई में तो 2 ही आएगा। बैंगन पक चुका है अभी और जो बॉईल करने के लिए सब्जी रखा वो भी अभी सीटी आ गया। सब्जी को तड़का लगाने के लिए यहाँ रेडी कर लिया, प्याज मिर्ची और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया और मैं जो यहाँ बैंगन फ्राई किया था उसी कढ़ाई में तड़का लगा लूँगी। तो ऑयल गरम होते ही प्याज डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अभी ही। रेसिपी और ये धनिया डाल दिए भी अभी पक चुका है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है। ब्लॉग शूट करते समय ना आप सबसे मैं बातें नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अभी वॉइस ओवर करना पड़ा और बेबी पास में ही है इसीलिए बेबी का आवाज़ भी आ रही होंगी। भैया के लिए खाना दे देते हैं, भैया के लिए खाना दे दिया और अभी हम भी खाना खाएंगे। आज के लिए बस इतना तक ही, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।